Let's switch focus, get you other news. In a major flip-flop that has been reported on part of the Maharashtra Environment Minister, Ramdas Kadam, a day after he backed the Supreme Court ban on crackers, saying that it needs to be extended to Maharashtra as well, he's now backtracked. He's emphasized that there will be no cracker ban in Maharashtra. Listen in to what he'd stated yesterday and today. Delhi ke माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कल डिसीजन दिया है, इन्होंने लिया है कि जहाँ जहाँ मार्केट है, व्यापार है, ऐसी जगह पे फटाके की दुकान होनी नहीं चाहिए। तो ये न्यायालय की भी सूचना है। मैं तो यही कहूँगा कि मानवता के माध्यम से जनता का आरोग्य सामने रख के पर्यावरण का ह्रास नहीं होना चाहिए, प्रदूषण नहीं होना चाहिए। इसके लिए सभी ने खबरदारी लेना चाहिए। यह आह्वान मैं भी आज करूँगा। And what exactly has changed in just one day? When our correspondent Disha Shah spoke to the minister, he's made a clear U-turn, saying that Diwali being our festival, most rightfully should it be celebrated with crackers. Take a listen in. कल मैंने जो स्वागत किया था, उसका गलत मतलब निकाला गया। दिल्ली में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, उसका मैंने स्वागत किया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी डिसीजन फटाके के ऊपर बंदी लाने का नहीं दिया है। कमर्शियल जो विभाग है उसमें है, उसमें फटाके की दुकानें नहीं होनी चाहिए, ये निर्णय है, उसका मैंने स्वागत किया है। लेकिन मैं फटाके बंदी का स्वागत किया है, ऐसा कल जो न्यूज़ में बात चली, वो बात बिल्कुल गलत है। महाराष्ट्र में फटाके बंदी का निर्णय नहीं लिया गया है, ना लिया जाएगा। ये तो हमारा त्यौहार है और शिवसेना हिंदुओं के त्यौहार के बारे में ज़्यादा चाहती है। हिंदुत्व के माध्यम से शिवसेना बड़ी है, तो हिंदुओं को हिंदू के त्यौहार के ऊपर ऐसे बंधन लाना ये हमारा काम नहीं है। मैंने कल जो बात की थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उसके बारे में मैं माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करूँगा। ये बात मैंने कही थी, बंदी की बात कल नहीं हुई थी, तो उसका मेरे बोलने का मतलब अलग लेके कुछ चैनल ने अलग बात चलाई है, मैं उसको बात को खंडित करता हूँ। महाराष्ट्र में दिवाली होगी, फटाकों के माध्यम से दिवाली होगी, लेकिन मैंने तमाम जनता को अपील किया है, आह्वान किया है कि प्रदूषण नहीं हो, इसकी खबरदारी सब ले लो।